तो भाई ये वाकई में काम की चीज निकल कर आती है कि अगर इसके साथ में कोई भी छेड़खानी करे तो आपको घर बैठे ऊपर मैसेज आ जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। भाई पूरा नेचर जैसा है, देखिए चिड़िया चिल्लाने की साउंड आती है भाई। ओके, फॉल डिटेक्शन यानी अगर आपका स्कूटर गिरता वगैरह तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है सेंड अलर्ट व्हेन स्कूटर डिफेक्ट फॉल स्कूटर ग्रीन। भाई बहुत बढ़िया है, यहाँ पर आप देख सकते हो या मनी सेव का ऑप्शन आ रहा है भाई, ये बहुत खास देखने के लिए लग रहा है। हो गया है भाई, एक्जैक्टली ऑन टाइम बंद हो चुका है इंडिकेटर, एक्जैक्टली एकदम परफेक्टली फाइन। भाई साहब आप देख सकते हो, बस अभी मैंने डॉग को घुमा के आया भाई, मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग है और अभी आपको एक मिनट पासवर्ड मैंने 00 किया है और सरप्राइज देखिए भाई साहब, बूम ओला S1 वालों के लिए भाई पूरी तरीके से जो अपना अपडेट है वो आ चुका है। अब अगर आपको मैं दिखा दूँ, ये देख लीजिए लेटेस्ट अपडेट इज नाउ अवेलेबल फॉर डाउनलोड। तो भाई ओला S1 लवर जो है उनको अभी MOVE S4 का बेटा अपडेट आ चुका है, तो भाई इसको डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं। जो भी अपना एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ अब मैं शेयर कर दूंगा। ओके, बस आई होप कि इसके अंदर हमें कोई दिक्कत देखने ना मिले। ओके, तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर लिखा है अपडेट बेटा। ओके, 1.25 GB का अपडेट है भाई। यहाँ पर लिखा है दिस अपडेट कैन ओनली बी डाउनलोडेड ओवर वाईफाई, इंश्योर यू आर कनेक्टेड टू वाईफाई टू बिगिन डाउनलोडिंग। ओके, तो भाई पासवर्ड अभी हमने डाल दिया है और ये कर दिया है कनेक्ट पूरी तरह से। भाई ऐसा ही पूरा प्रोसेस कीजिए, वरना अपडेट में कोई दिक्कत आए तो फिर आपको लैग वगैरह देखने ना मिलेगा। इसको बिल्कुल भी छेड़िए मत, बैटरी जो है आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़्यादा रखी है, जैसा अभी मेरा 53% है तो उसको थोड़ा चार्ज भी एक्स्ट्रा करके रखिए। तो भाई आप देख सकते हो पूरी तरीके से डाउनलोडिंग अपडेट हो रहा है। टी कनेक्ट टू स्टेबल वाईफाई नेटवर्क, तो भाई प्लीज़ यहाँ पर नेटवर्क अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। 2 मिनट में यहाँ से हटा, डाउनलोडिंग रुक गई थी, अब अगेन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ आप इसे थोड़ा सा देख कर ही करिएगा। ओके, अब यहाँ पर देख लेते भाई लर्न MOVE S4 के अबाउट, यानी कि इसमें जो भी आपको एक ट्यूटोरियल है वो देखने मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भाई सब कुछ लिख कर आता है, यहाँ पर देख सकते हो आप इंट्रोड्यूसिंग केयर लिख के आ रहा है, यहाँ पे आपने कितना COT अवॉर्ड किया वगैरह वगैरह सब कुछ आपको बता देगा ये पूरी तरीके से। ये भी स्क्रीन भाई बहुत बढ़िया है, यहाँ पर आप देख सकते हो या मनी सेव का ऑप्शन आ रहा है भाई, ये बहुत खास देखने के लिए लग रहा है। ओके, यहाँ पर अगर देखें तो अभी मैंने 34,548 रुपये की सेविंग कर ली है भाई, यहाँ पर बता रहा है, और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज आपको देखने मिल जाता है। अदरवाइज तो और कुछ नहीं, इसका कोई साउंड है क्या वो भी हम चेक कर लेते भाई, कैसा लग रहा है भाई साउंड सुनने में बताइए। सुन पा रहे हो, पूरा नेचर का मज़ा आने वाला है भाई आपको, जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी ये पेड़ पौधे, वैसे पूरा पूरा आपको ट्री का मज़ा आने वाला है भाई। और नेचर को सेव करने के लिए हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर काम में आती है, और आप देख सकते हो इसका थोड़ा वॉल्यूम कम कर देंगे भाई, और इसके साथ में ये साउंड मोड आपको सुनने मिलेगा जो यहाँ पे न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, और साउंड भी भाई पूरा नेचर जैसा है। देखिए चिड़िया चिल्लाने की साउंड आती है भाई। ओके, आप सुन पा रहे होगे भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओके, चलो इसकी एक राइड भी लेकर आते हैं, क्या साउंड निकल कर आती है। ओके भाई अच्छा लगता है, पूरा नेचर का मज़ा आता है, जैसे कि आप देख रहे हो हम ऑलरेडी नेचर में भाई, ऐसे वक्त यहाँ पर अगर ये मोड रहे ना तो काफ़ी मज़ा आता है भाई, सही में रिव्यू करने का भी मज़ा आ रहा है वाकई में। अब सबसे पहले यहाँ पर और क्या है वो भी चेंज में देख लूँ, कॉन्सर्ट मोड यहाँ पर नया देखने के लिए मिल रहा है भाई साहब। ओके, तो चलो ये धीरे धीरे एक एक चीज़ें खुलते जा रही है भाई MOVE S4 का पिटारा अपने सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीचर है भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई होस्ट कॉन्सर्ट लिखा है, जॉइन अ कॉन्सर्ट लिखा है, यानी कि जैसे यहाँ से भी आप अपना जो साउंड है वो शेयर कर सकते हो, और जॉइन कॉन्सर्ट यानी कि इंश्योर योर स्कूटर इज ऑन सेम वाईफाई एज द कॉन्सर्ट होस्ट, यानी कि आपको जो है वाईफाई वगैरह सेम रखना होगा अगर एक मेक के स्कूटर में आपको साउंड सुनाने हैं तो, जो कि आप यहाँ से ऑप्शन जो है इसके चालू कर पाओगे। ओके, हेड लैम्प भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा जो कि टेक मी होम यहाँ पर है भाई, और हेलो लैम्प भी है, तो हेलो लैम्प भाई ऑन कर लिया जाए क्योंकि ये फीचर बहुत ज़्यादा बढ़िया था, जो कि ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है भाई, जो कि ये भी अपन ऑन कर लेंगे भाई और इसका भी डेमो देख लेंगे। ओके, देखिए यहाँ से पूरा टर्न लेना है हमें ये पुल से, तो ये पूरा 90 के एंगल में है भाई, तो यहीं से इंडिकेटर को स्टार्ट कर देते हैं और आप देखिएगा भाई कि अपना जो इंडिकेटर का साउंड है वो आपको आ रहा है। ओके, पूरी तरीके से स्टार्ट है, तो अभी ऑटो कट होता है कि आपने को वही चेक करने का भाई। ओके, ये भाई अपना पूरा इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो हम जनरल पीपल चलाएंगे भाई। ओके, बाकी इस पर मत जाइए, आप देखते हैं भाई। ओके, पूरा 90 एंगल में कंप्लीट है। ओके, जैसा ओला बोलती है। हो गया है भाई, एक्जैक्टली ऑन टाइम बंद हो चुका है इंडिकेटर, एक्जैक्टली एकदम परफेक्टली फाइन भाई, बेटा वर्जन है, इसके अंदर इतने सही तरीके से वर्क किया यानी कि बहुत बढ़िया बात है भाई। बस इनकी कंडीशन एक है भाई, हैंडल जो है आपका थोड़ा एंगल में टर्न होना चाहिए। ओके, तो ये फीचर तो भाई पास हो जाता है और बहुत बढ़िया चीज़ निकल कर आती है। मैंने भाई आपको ये तो बता दिया, अपना जो ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर है वो भी दिखा दिया है, और जो हेलो लैम्प है आप ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा ये आपको बता दिया है। टेक मी होम लाइट को भी ऑन रख के देखते भाई, अभी जो है स्कूटर में ऑफ कर देता हूँ और ये लाइट थोड़ी देर के लिए ऑन रहती है कि अपन देख लेते भाई। ओके, अभी जो है आप देख सकते हो स्कूटर की जो लाइट है वो ऑन है, अभी स्कूटर को अपन पूरी तरीके से ऑफ कर देते हैं। ये हो गया स्कूटर बंद, अब देख सकते हो भाई जो लाइट है देख सकते हो पूरी तरीके से ऑन है, और ये 30 सेकंड तक ऑन रहेगी। अगर आपको रात में दिक्कत होती है कहीं पर स्कूटर खड़ा है तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए अच्छा रहेगा, रात में दिक्कत होती है कहीं पर स्कूटर खड़ा है तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए अच्छा रहेगा। ये भी एकदम बेस्ट तरीके से काम कर रहा है, तो बेटा वर्जन में भाई अभी तक तो मुझे कोई भी बग देखने नहीं मिल रहा है। फॉल डिटेक्शन भी यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो, हाँ जी देखिए अब और एक निकल कर आ गया है। फॉल डिटेक्शन यानी अगर आपका स्कूटर गिरता वगैरह तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है सेंड अलर्ट व्हेन स्कूटर डिफेक्ट फॉल स्कूटर इन पार्क मोड, यानी कि स्कूटर आपका गिरता है अगर ऑन है तो मोटर ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, यहाँ से आप चेंज पासवर्ड कर सकते हो। इसके साथ भाई जनरल में अगर आप देखो यहाँ पर आके, जो कि बहुत बढ़िया निकल कर आ रहा है, एक्सेस कंट्रोल यहाँ पर बहुत बढ़िया फीचर है जो मैं आपको बात कर रहा
रहा था बता रहा था, जो स्कूटर है वो कहाँ पर है वो भी आप चेक कर सकते हो और किसके पास में है वो भी आप पता कर सकते हो। ओके, तो ये जो जियो फेंस है यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम फेंस दिया है नो रिस्ट्रिक्शन के साथ, और स्पोर्ट मोड यहाँ पर ऑन बता रहा है, मे बी ये ऑन होता है या ऑफ पता नहीं, या वो राइडर ने डाला है या नहीं वो बताने के लिए शायद में ये है। ओके, तो S1 वालों के लिए सबसे बड़ा धोखा हो गया है भाई, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल अपने को देखने नहीं मिला है भाई, अगर दे देते तो इनका क्या जाता, आई डोंट नो भाई, दे देना चाहिए था। उसके बाद भाई ओला के इलेक्ट्रिक ऐप में जाके आप सारी चीजें देख सकते हो, जैसा कि इसका टेंपर डिटेक्शन मैंने अभी ऑन कर लिया है, राइड हिस्ट्री, ऐड अनदर राइडर, अगर आपको किसी को ऐड करना है तो वो सब ऐप में जाके आपको यहाँ से एक्टिवेट कर लेना होगा। भाई अभी मैंने टेंपर डिटेक्शन भी ऑन करके रखा है और वहाँ पर लिखा हुआ भी है भाई, माइनर से टच ही अवॉइड करेगा। देखिए स्टार्ट हुआ है भाई, मुझे नोटिफिकेशन आया टेंपर डिटेक्ट हो गया। ओके, तो इस पर बैठ के थोड़ा हैंडल अगर आप हिला के देखो तो ऑन हो जाएगा, देख लीजिए भाई। ओके, आप सुन सकते हो, यानी कि बताओ तो नॉर्मल टचेस ही अवॉइड करेगा, वहाँ लिखा भी है भाई। तो उसके हिसाब से जैसे मैंने अभी जैसे इसका हैंडल हिलाया, स्टैंड थोड़ा ऊपर ज़्यादा करने की कोशिश की, तो इसने तुरंत डिटेक्ट कर लिया। तो भाई बेटा में सारी चीज़ें तो वेल अच्छे से वर्क कर रही है भाई। छोटे मोटे जो हमारे फीचर है, राइड राइडिंग आपको करना है, राइडर किसी और राइडर को स्कूटर देना है तो आपको ऐप में ही जाना होगा, छोटे मोटे फीचर्स पूरे वहाँ से अलाउ होते हैं। बाकी जनरली आप देख सकते हो रीजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे गए हैं। उसके बाद में जनरल चीज़ें तो मैं अब आपको बताई दिए गए, परफेक्टली वर्क कर रहा है सब कुछ, कोई स्कूटर में लैग वगैरह देखने नहीं मिला है। अभी देखो मैं इसको थोड़ा सा गाढ़िया करके देख रहा हूँ, क्योंकि डिटेक्ट कर ले तो करेगा भाई, करेगा। नॉर्मल जो हमारे टच वगैरह उस पे ये नहीं करता है, अगर आप देखो तो थोड़ा सा भी अगर ज्यादा मोमेंट अगर इसे लग जाए, देखिए भाई हो गया, ऑन हो चुका है। तो अगर आपको ट्रायल लेनी है भाई तो इस तरीके से आप ले सकते हो कि आपके पास जब बेटा वर्जन आए तो ये सही से वर्क करता है या नहीं। तो भाई ये वाकई में काम की चीज़ निकल कर आती है कि अगर इसके साथ में कोई भी छेड़खानी करे तो आपको घर बैठे ऊपर मैसेज आ जाता है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, चार्जिंग पर लगे हुए होते हैं, कोई अगर छेड़े तो हमें पता चल सकता है। ओके, तो ये भाई अभी छोटे मोटे अपडेट जो मैंने आपको बता दिया, एक बार ये बंद कर देता हूँ भाई, जैसे आप अनलॉक करोगे स्कूटर ये अपने आप बंद हो जाएगा। ओके, तो मैंने अभी आपको कॉन्सर्ट मोड बता दिया, एक में होम लैम्प है हमारा, उसके बाद जो आपको एंटी थेफ्ट अलार्म है वो भी दिखा दिया, जिसका एक्टिवेशन आपको ऐप के थ्रू देना होगा। जो अभी हमें मेन एक लाइफ में रियल लाइफ में चाहिए होते हैं ये सब कुछ फीचर मैं आपको बता चुका हूँ। अभी तक स्कूटर में कोई भी स्कूटर इशू फाउंड वगैरह इशू नहीं आया है, यहाँ पे कोई दिक्कत देखने नहीं मिली है, लैग नहीं हुआ है, टच भी रिस्पॉन्स भाई बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका है। ओके, जब मैंने भाई स्कूटर चार्जिंग पे लगाया तो आप देख भी सकते हो यहाँ पर एक आपको अलग थीम भी इसकी देखने के लिए मिलती है, जो हमने ये थीम अप्लाई करके रखी है। तो भाई ये अपना फर्स्ट इंप्रेशन है, इसमें कुछ छूट जाए तो हम आगे और भी वीडियोस में बात कर लेंगे, बट अभी के लिए भाई जो जनरल चीजें यूज करते हैं और जो आप लोगों को देखने की एक्साइटमेंट थी, तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सब कुछ समझ जाएगा कि भाई MOVE S4 जो है आपके लिए कैसा होगा। तो भाई बेटा वर्जन फुल ऑन पास है, आप इसे आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लगी है, स्कूटर इशू वगैरह अभी तक कोई नहीं आया भाई, एकदम ऑल ओके है। तो भाई इसे आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो, अभी उसके बाद में अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत जाती है भाई तो उतना तो लागू है, क्योंकि बेटा वर्जन है, इतना तो आपको रेडी रहना ही होगा। तो आराम से इसे कर लीजिए, वरना आप स्टेबल वर्जन का वेट कर सकते हो। और ओला S1 एयर वाले बिल्कुल ना डालिए भाई थोड़े टाइम तक, अगर मे बी उन्हें आता भी है तो, अभी तक तो उन्हें रोल आउट नहीं हुआ है, अगर नहीं आता है तो बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा टाइम आप रुक जाइए। ओके, तो भाई ये था एक छोटा सा इंप्रेशन, आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर इसमें कुछ छूट जाए भाई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। जनरल एक मैंने पूरी टेस्टिंग कर ली है जो मुझे इसके जरूरतमंद फीचर लगते हैं। ओके, तो इसमें से आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा भाई बताइए, और बेटा वर्जन भाई फुल पास है, अच्छे से वर्क कर रहा है, तो ये भाई सबसे बेस्ट अपडेट अब तक मैंने देखा है ओला का, जो कि अभी तक बेटा वर्जन सबसे बढ़िया वर्क कर रहा है। ओके, तो आई होप यू लाइक द वीडियो, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।